प्रिय छात्र नमस्कार, NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस नए वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चल कुंडली धारामापी। और इसी चल कुंडली धारामापी को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है किलकित कुंडली धारामापी, या इसी चल कुंडली धारामापी को हम वेस्टर्न धारा मापी के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमें चल कुंडली धारा मापी का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर करना है, जिसमें पहला है उसका नामांकित रेखाचित्र, सेकंड हम बात करेंगे चल कुंडली धारा मापी की संरचना की, और थर्ड में हम बात करेंगे चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत या धारा के लिए सूत्र का निगमन। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक चल कुंडली धारामापी। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है चल कुंडली धारामापी। तो इसी चल कुंडली धारामापी का हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि चल कुंडली धारामापी की परिभाषा क्या कहती है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन, चल कुंडली धारामापी वह उपकरण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली घूमती है तथा चुंबक स्थिर रहता है, चल कुंडली धारामापी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी गई है कि एक ऐसा उपकरण या वह उपकरण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली घूमती है तथा चुंबक स्थिर रहता है, इसको हम कहते हैं चल कुंडली धारामापी। तो इस प्रकार हमने इसका चल कुंडली धारामापी का डेफिनेशन देखा है। अब हम चलते हैं इसके पहले पॉइंट की ओर, नामांकित रेखा चित्र। नामांकित रेखा चित्र, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर चल कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी का नामांकित रेखाचित्र ड्रॉ किया है। अब हम समझेंगे कि हमने इस नामांकित रेखाचित्र में कैसे और क्या क्या हमने इस पर ड्रॉ किया है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले एक स्थायी नाल चुंबक होता है। देखिए ये स्थायी नाल चुंबक है जिसके ध्रुव खंड NS मुलायम लोहे के बने होते हैं। तो ये N और S दोनों के ध्रुव खंड है, और दोनों ही ध्रुव खंड जो है वो मुलायम लोहे के बने होते हैं, और ये दोनों ही ध्रुव खंड जो है बेलनाकार अवतल आकार में कटे हुए होते हैं। देखिए ये बेलनाकार अवतल आकार में कटे हुए दोनों चुंबक के ध्रुव खंड, और इन दोनों ध्रुव खंड के मध्य में एक कुंडली हमने स्थापित की है। ठीक है, ये N ध्रुव खंड है चुंबक का और ये S ध्रुव खंड चुंबक का, इन दोनों ध्रुव खंड के मध्य एक कुंडली यहाँ पर रखी हुई है। और जो कुंडली जो है ये कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती एप की सहायता से लटका दी जाती है, यानी कि इन दोनों ध्रुवों के मध्य जो कुंडली हमने लटकाई है ये फास्फर ब्रांच की पत्ती जो एप पत्ती, इसकी सहायता से हमने ये कुंडली दोनों ध्रुवों के मध्य लटकाई गई है। और इसी कुंडली का दूसरा सिरे का जो संबंध हम एक स्प्रिंग से कर देते हैं, और जो कुंडली जो हमने बनाई ये कुंडली जो है तांबे के तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है, यानी कि इस कुंडली का हमने जो निर्माण किया है तांबे के तार की सहायता से किया है, और तांबे के तार जो है एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती हैं। और इस कुंडली के मध्य भाग में जो रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान में नर्म लोहे का क्रॉड सी लगा हुआ या रख देते हैं। ठीक है, ये क्या है, नर्म लोहे का क्रॉड सी है कुंडली के रिक्त स्थान में मध्य भाग में, और जो ये क्रॉड सी है ये कुंडली को कभी भी स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, ये वो क्रॉड सी है ये कुंडली को छूता या इस पर स्पर्श नहीं करता है, ये बिल्कुल रिक्त स्थान में इन कुंडली के मध्य में स्थित रहता है। अब इस
फास्फोरस ब्रांच की जो पत्ती जो एप है इसका संबंध हम एक संयोजक पेंच T2 से कर देते हैं तथा इस स्प्रिंग का हम एक अन्य संयोजक पेंच T1 से संबंध कर देते हैं। और इस फास्फोरस ब्रांच की जो पत्ती एप है इस पत्ती एप पर एक समतल और वृत्ताकार दर्पण हम लगा देते हैं और इस समतल वृत्ताकार दर्पण की सहायता से ही हम जो कुंडली होती है इस कुंडली का विक्षेप हम इस दर्पण के अंदर देखते हैं कि कुंडली का विक्षेप यानी कुंडली अपनी जगह से कितनी इधर उधर हिल रही है। इसका जो विक्षेप होता है ये हम इस वृत्ताकार समतल दर्पण के अंदर रीडिंग नोट करते हैं। इस प्रकार हमने इस पूरे चित्र को समझा है। इस प्रकार हमने अभी नंबर 1 पॉइंट नामांकित रेखा चित्र देखा। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट संरचना की ओर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा नंबर 2 पॉइंट संरचना। अब देखिएगा कि हमने संरचना में हमें करना क्या है कि जो भी हमने इस चित्र के अंदर अभी जो रिप्रेजेंट किया है या जैसा हमने चित्र को ड्रॉ किया है सेम वैसा ही हमें संरचना के अंदर लिखना है जो बहुत एक सिंपल लैंग्वेज होगी। तो इस प्रकार हमने जो भी चित्र के अंदर ड्रॉ किया था उसी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिखा है संरचना के अंदर। तो देखिए इसमें हमने लिखा है कि इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड NS मुलायम लोहे के बने होते हैं और ध्रुव खंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं। तो देखिएगा चित्र में कि ये स्थायी एक नाल चुंबक है और जिसके ध्रुव खंड NS है और जो ध्रुव खंड है ये दोनों ही ध्रुव खंड बेलनाकार वृत्ताकार आकार में कटे हुए हैं। देखिए ये बेलनाकार अवतल आकार में, ठीक है, बेलनाकार अवतल आकार में दोनों ही ध्रुव खंड कटे हुए हैं। आगे हमने लिखा है कि दोनों ध्रुव खंड के बीच एक कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती एप की सहायता से लटका दी जाती है। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग से होता है। तो देखिएगा चित्र के अंदर की इन दोनों नाल चुंबक जो है इनके मध्य में हमने एक कुंडली जो है ये एक फास्फरस ब्रांच की पत्ती एप की सहायता से लटका दी जाती है और इसी कुंडली का दूसरे सिरे का संबंध हम एक स्प्रिंग से कर देते हैं। आगे लिखा है कुंडली को तांबे के तार से एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। तो देखिए चित्र के अंदर की ये कुंडली है और ये कुंडली जो है तांबे के तार से बन जाती है और जो तांबे के तार होते हैं उन्हें एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है अर्थात तांबे के तार से एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर ये कुंडली बनाई गई है। आगे हमने लिखा है कुंडली के मध्य में रिक्त स्थान में नरम लोहे का क्रोड सी होता है जो कुंडली को कभी भी स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रकार देखिएगा चित्र के अंदर की ये कुंडली का जो मध्य भाग है ये रिक्त स्थान है और इसी रिक्त स्थान के अंदर नरम लोहे का एक क्रोड सी रखा हुआ होता है और ये क्रोड सी जो है कभी भी इस कुंडली को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, ये क्या है क्रोड सी जो नरम लोहे का बना होता है और इसके रिक्त स्थान एक मध्य भाग में होता है और ये क्रोड जो होता है ये इस कुंडली को स्पर्श नहीं करता है। आगे लिखा है पत्ती एप का संबंध संयोजक पेंच T2 तथा स्प्रिंग का संबंध संयोजक पेंच T1 से होता है। तो देखिए चित्र के अंदर की जो पत्ती एप जो है ये वाली ये पत्ती एप है जो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती है इसका संबंध अब एक संयोजक पेंच T2 से करते हैं और इस स्प्रिंग का संबंध हम एक संयोजक पेंच T1 से करते हैं। आगे लिखा है पत्ती एप में एक समतल वृत्ताकार दर्पण M लगा रहता है जिसके द्वारा कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जाता है। तो देखिएगा चित्र के अंदर की इस जो संयोजक पेन सॉरी जो फास्फोरस की जो ब्रांच की पत्ती एप है इस पत्ती एप में एक वृत्ताकार समतल दर्पण लगा होता है और इसी वृत्ताकार समतल दर्पण की सहायता से हम इस कुंडली का
विक्षेप ज्ञात करते हैं, यानी कि इस कुंडली की जो भी विक्षेप होगा उसकी रीडिंग हम इस समतल वृत्ताकार दर्पण के अंदर रीडिंग नोट करेंगे। तो इस प्रकार हमने ये संरचना देखा था, जो जैसा हमने चित्र को ड्रॉ किया है सेम उसी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम आगे बढ़ते इसके थर्ड पॉइंट की ओर, यानी कि धारा मापी अर्थात चल कुंडली धारा मापी के तीसरा पॉइंट यानी कि इसका सिद्धांत या धारा के लिए सूत्र का व्यंजक देखेंगे हम। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि थर्ड पॉइंट सिद्धांत या इसको धारा के लिए सूत्र का निगमन, दोनों सेम है। अब हम इस धारा माप चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत देखेंगे। तो इस प्रकार हमने इसमें लिखा है कि जब एक धारावाही कुंडली किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाई जाती है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे, तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है। तो देखिएगा चित्र के अंदर कि ये कुंडली जो धारावाही है, इस कुंडली धारावाही को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये NS ध्रुव है तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाई जाती है कि इसका जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे, यानी कुंडली का तल और जो चुंबकीय क्षेत्र जिस क्षेत्र में कुंडली जो स्थित है, इन दोनों तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर रहे, तो इस कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है और हम बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है कि एक बार हम देखते हैं कि जब एक धारावाही कुंडली किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाई जाती है कि इसका तल यानी जो कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे, तो इस कुंडली पर यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है इस कुंडली पर विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है, और जो बल आघूर्ण होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं बल आघूर्ण को टाउ से, और बल आघूर्ण यानी कि जो टाउ के बराबर होता है वो NIAB, जहाँ N जो है वो कुंडली पर जो फेरों की संख्या होती है, और I जो है कुंडली में बहने वाली धारा होती है, A जो है क्षेत्रफल है, और B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि N कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, फेरों की संख्या है कुंडली के अंदर, I उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, B जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जो टाउ जो होता है बल आघूर्ण। और इस प्रकार हम इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे हमने लिखा है कि यदि कुंडली में उत्पन्न ऐंठन, जिसको हम बोलते हैं ऐंठन को, विक्षेप फाई हो, तो ऐंठन का बल युग्म अघूर्ण, यानी कि हमारे पास जो कुंडली है जो दोनों ध्रुव के मध्य हमने ब्रांच की पत्ती F से लटकी हुई है, यदि उसमें उत्पन्न विक्षेप फाई हो तो उसी ऐंठन या उसी विक्षेप का बल युग्म अघूर्ण वो होता है टाउ समानुपाती होगा उस कुंडली में उत्पन्न ऐंठन के। ठीक है, ये लिखा कि कुंडली में उत्पन्न ऐंठन या विक्षेप फाई हो तो ऐंठन का बल युग्म अघूर्ण, ये होता है बल युग्म अघूर्ण प्रोपोर्शनल होगा उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के। तो हमने लिखा टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमें यहाँ पर एक नितांक मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा टाउ इक्वल सी इंटू फाई, जहाँ सी जो है ये ऐंठन का नितांक है, तो हमने लिखा है सी ऐंठन का नितांक है। इस प्रकार हम इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का जो LHS पार्ट है, देखिए टाउ और इस समीकरण 2 का भी जो LHS पार्ट है टाउ, ये दोनों इक्वल है, तो हम दोनों समीकरण के RHS भाग को भी इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे
NIB IAB इक्वल बनेगा C इंटू में फाइव। ठीक है, समीकरण एक और दो से है ना, इस समीकरण हमने एक से ए ने आई बी लिया और समीकरण दो से C इंटू फाइव लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से I का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर एन ए बी को हम इस C इंटू फाइव के अपॉन में भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर बचेगा I इक्वल और C इंटू फाइव चल ही रहा है, अपॉन में आ जाएगा एन ए बी, एन ए और बी। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि I इक्वल और ये बनेगा C अपॉन में एन ए बी, और Q को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। तो जहाँ ये C अपॉन एन ए बी है, एक नितांक बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है कि जहाँ C इक्वल एन ए बी की सी अपॉन एन ए बी, तो C अपॉन एन ए बी बराबर हमने लिया K, और इसको लिखा पूरे को K इक्वल जो होता है, जो इसका जो मान लिया हमने K, ये इसको हम बोल सकते हैं K को धारामापी नितांक कहते हैं, यानी कि हम C अपॉन एन ए बी की जगह पर हम K लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर I इक्वल, इसकी जगह हम K लिख सकते हैं, तो बनाया K इंटू में फाइव, और K जो एक नितांक होता है, तो हम इसको वापस प्रोपोर्शनल में भी यानी कि समानुपाती के अंदर भी ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा I समानुपाती फाइव, और यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। इस प्रकार हमने लिखा है कि यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। तो इस प्रकार हमने आज जो क्वेश्चन पढ़ा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष लगभग लगभग पूछा ही जाता है बोर्ड की एग्ज़ाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समाप्त होने के बाद कभी कभी ये क्वेश्चन एक या दो नंबर में ऐसे भी पूछा जाता है कि चल कुंडली धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे के, है ना, चल कुंडली धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए चित्र के अंदर की जो चल कुंडली धारामापी का हमारे सामने जो चित्र है, इसके जो एन एस जो नाल चुंबक के जो ध्रुव है, ये इस दोनों ध्रुव के जो ये वाला अंदर के जो तल है, ये अवतल क्यों बनाए जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। चल कुंडली धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल इसलिए बनाए जाते हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो तथा कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। तो पता चला है कि हमें कि जो चल कुंडली धारामापी में जो चुंबक होता है, उसके जो अंदर के जो तल होते हैं, वो अवतल क्यों बनाए जाते हैं। इसलिए कि वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो त्रिज्यीय हो तथा जो कुंडली है उसका तल जो है सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, इसलिए चल कुंडली धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल या बेलनाकार बनाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास एक अन्य क्वेश्चन है, कुंडली को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटने का क्या कारण है। यानी कि हम जो कुंडली बनाते हैं, जो तांबे की तार से बनाए जाते हैं, उन तांबे की तार को जो कुंडली बनाते समय एल्यूमिनियम के फ्रेम पर ही क्यों लपेटते हैं। यानी कि जो कुंडली बनाते समय जो तांबे के तार होते हैं, उसको एल्यूमिनियम के फ्रेम पर ही क्यों लपेटा जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर कि कुंडली को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर ही लपेटा जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते समय एल्यूमिनियम के फ्रेम में प्रेरित धाराएं, अब इन प्रेरित धाराओं को हम भंवर धाराएं के नाम से भी जानते हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। यह प्रेरित धाराएं कुंडली के गति का विरोध करती है, अतः कुंडली इधर उधर हिले बिना अपनी प्रारंभिक स्थिति में शीघ्र आ जाती है, इसीलिए हम कुंडली को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। तो इसका आंसर भी सिंपल है कि जो हमारे पास जो कुंडली होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होती है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो विक्षेपित होती है, यानी कि इधर उधर हिलती है, तो एल्यूमिनियम के फ्रेम के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि एल्यूमिनियम फ्रेम में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है,
और जबकि एल्यूमिनियम के अंदर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ये प्रेरित धारा ही कुंडली के गति का विरोध करती है, यानी कि कुंडली को एक जगह स्थिर रखती है प्रेरित धारा ही। अतः कुंडली जैसे ही इधर उधर विक्षेपित होती है तो प्रेरित धारा पुनः उसको अपनी प्रारंभिक स्थिति में शीघ्र लाती है। इसी कारण हम कुंडली को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती हैं, क्योंकि तो कुंडली शीघ्र ही अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। तो देखिए चित्र के अंदर ये कुंडली है और कुंडली को हम एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर ही लपेट कर बन जाती है। जैसे कुंडली इधर उधर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर विक्षेपित होती है, तो जैसे विक्षेपित होती है तो जो कुंडली होती है जिस पर फ्रेम एल्यूमिनियम का होता है, ये उसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जो प्रेरित धारा जो होती है, ये कुंडली जो विक्षेपित होती है इधर उधर, उनको एक जगह स्थिर लाने में मदद करती है। इसी कारण हम क्या करते हैं कि कुंडली को एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर ही लपेट कर बनाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जय हिंद जय भारत।